दूसरी अर्घ के दिन यानी कि सुबह के अर्घ के समय मैं अपने छत में थी और वहीं तीन महिलाओं ने किया था। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ 19 फैमिली और रहती हैं। ये उनके परिवार के लोग हैं। इन परिवारों में से तीन महिलाओं ने किया था और उन्होंने हमें आमंत्रित किया था, तो हम सभी वहाँ उपस्थित हुए। हम सभी सूर्य के उदय होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो उदित होंगे तभी अर्घ शुरू होगा। तब तक हम लोग थोड़ा सा एक माहौल बन रहा है फ़ोटो खींचने का, सेल्फी लेने का, तो वही कर रहे हैं। आसमान में काफ़ी बादल है, सूर्य का उदय होना दिख नहीं रहा है। व्रतधारी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं है, आसमान बिल्कुल खाली नज़र आ रहा है और सभी इंतज़ार में खड़े हैं। मेरे पति भी आसमान की ओर देख रहे हैं कि कहीं सूर्य दिख जाए तो अर्घ शुरू हो। सबका वही हाल है, सबकी निगाहें आसमान की ओर हैं कि सूर्य देव दिखें और अर्घ शुरू हो जाए। हल्की सी किरण दिखी है तो अब व्रतियों ने स्नान कर लिया। अब उनके हाथों में सिंदूर अर्पण दिया जा रहा है और अब वो फूल उल भी दे रही हैं। अब वो सूप दिया जाएगा उनके हाथ में। ये देखिए, सूप उठा लिया, अब अर्घ की तैयारी शुरू हो गई। अर्घ शुरू हो चुका है तो मेरे पति ने कहा कि तुम जाके अर्घ दो, मैं कैमरा लेता हूँ। तो उन्होंने मेरी मदद की और फ़ोटो शूट करना शुरू किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। तो देखिए, उधर अर्घ शुरू हो चुका है, अब मैं भी उधर जा रही हूँ। और भीड़ में के अंदर जा पाई तो मैं भी पूजा में सम्मिलित हो जाऊंगी। मैंने किसी के हाथ को स्पर्श कर लिया है तो एक तरह से मैंने भी अर्घ देना शुरू कर दिया है। और इस तरह से लोग बारी बारी से आगे जा रहे हैं और अर्घ दे रहे हैं। और एक थाल में अर्घ पड़ने के बाद फिर उसको उठाया जा रहा है, फिर दूसरी थाल उनके हाथों पर दी जा रही है। तो इसी तरह से दूसरी पूजा भी चल रही है, सुबह के अर्घ की पूजा। और अब थोड़ी देर में ये सारे थाल और सूप में अर्घ पड़ जाएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। तो फिर महिलाएं निकलकर अपने भीगे वस्त्र के बदले सूखे वस्त्र पहनेंगी और फिर बैठ के पूजा करेंगी। तो फिर इस वर्ष की पूजा का समापन हो जाएगा और फिर अगले साल के पूजा के इंतज़ार में लोग रहेंगे। एक कहावत है कि सूर्य को दिया दिखाना, तो आज देख भी लीजिए कि लोग सूर्य को दिया दिखा रहे हैं। ये बहुत गहरी आस्था है। अब पूजा समाप्त हो चुकी और लोग अब बैठ गए हैं, फल मूल सजाए हुए हैं। यहाँ बैठ के थोड़ी सी पूजा होगी, फिर लोगों में प्रसाद बटेगा, सबों को प्रसाद दिया जाएगा और सभी अपने घर को चले जाएंगे। और व्रती भी अपना व्रत फिर तोड़ेंगे कुछ खाकर। 3 दिनों से इन्होंने लगातार सहकर ये पूजा की है, बहुत कष्ट उठाया है। ये पर्व शरीर के देवता के रूप में इनकी पूजा की जा करने के लिए है। सूर्य देवता को शरीर का देवता माना जाता है, कहा जाता है कि ये करने से शरीर में जो रोग दुख है वो ख़त्म होते हैं, पीड़ा ख़त्म होती है। तो इसी आस्था के साथ लोग छठ की पूजा करते हैं। तो अच्छा, आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।